Good morning friends, Kkunal Parar here from Research Department Choice Equity Broking Private Limited. Global market में इस level पे weakness दिख रही है because of Iran strikes on US force and SX Nifty अभी 12,012 level पे trade कर रही है with the loss of 109 points जो Indian market में gap down होने के संकेत दे रही है. Nifty की बात करें तो कल का trading session जैसे roller coaster ride जैसा रहा था. एक अच्छी खासे इंट्राडे गैप अप ओपनिंग देखने के बाद हमें शुरुआती गेन में कमी आती हुई दिखाई दी एंड 12,005 के अराउंड के हमें इंट्राडे लो दिखे एंड फाइनली हमें 12,052 के लेवल पे क्लोजिंग आती हुई दिखी. निफ्टी के लेवल की बात करें तो डाउनसाइड पे इस लेवल पे 11,900 टू 11,950 के सपोर्ट दिख रहे हैं जबकि ऊपरी लेवल पे हमें 12,150 टू 12,200 के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 30,900 के काफ़ी अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं जबकि ऊपरी लेवल पे 31,800 टू 31,900 के रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक ओआई स्पर्ट की बात करें तो कल बायोकॉन, कैनरा बैंक, माइंडट्री में हमें हाईएस्ट ओआई स्पर्ट देखने को मिला था जिसके बेस पे आज इन स्टॉक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिख सकती है. एंड अल्ट्राटेक में कल अच्छी मूव दिखी थी तो कोई भी डिप आता है अप टू द लेवल ऑफ 4195 तो बाय करने की ही रणनीति रखनी चाहिए विद द एसएल ऑफ 4100 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 4340 एंड 4385. धन्यवाद.